Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. कोलकाता को हराकर प्लेऑफ में पहुंची लखनऊ की टीम। 17 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर बनी हुई है लखनऊ की टीम। वैसे कोलकाता ने कमाल की शुरुआत की थी। जेसन रॉय और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी 10 के रन रेट से रन लूट रही थी और पावर प्ले खत्म होने से पहले 61 रन बना चुकी थी। एक बार ये जोड़ी टूटी तो कोलकाता पर जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले कप्तान नीतीश राणा 8 रन बनाकर चलते बने, फिर 45 रन बना चुके जेसन रॉय की कृणाल ने गिल्लियां बिखेर दी। जल्द ही गुरबाज का इस कैच ने काम तमाम कर दिया। फिर से कोलकाता की सारी उम्मीदें रिंकू सिंह पर आकर टिक गई थी। इस बार भी रिंकू ने जान दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे, लेकिन रिंकू जमे रहे और रन बनाते रहे। आखिरी 2 गेंदों तक उनका बल्ला लखनऊ की सांसें अटकाता रहा, जब कोलकाता को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। लेकिन जीतों कोशिश के बावजूद भी रिंकू 10 रन ही बना सके और लखनऊ ने 1 रन की जीत के साथ प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया। 177 रन का लक्ष्य दिया था लखनऊ ने, हाफ सेंचुरी जमा कर संभाला था पूरन ने। आगाज तो लखनऊ ने कोई धमाकेदार नहीं किया था, ना ओपनर जमे ना मिडिल ऑर्डर ने मजबूती दी। हालात इतने खराब थे कि आधी टीम 73 रन बनाकर पवेलियन लौट चुकी थी। फिर आयुष बदोनी के साथ मिलकर पूरन ने संभाला। पूरन ने तो छक्कों की छड़ी लगा दी। उन्होंने 30 गेंदों पर 58 रन की पारी खेलकर लखनऊ को 176 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। आज तक मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।